हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योमेट्री स्कूल डॉट इन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिंपल राणा और आपको करा रही हूँ यहाँ पर आपके अपकमिंग सैनिक एग्जामिनेशन के लिए हिंदी सेक्शन का प्रिपरेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा मॉक टेस्ट नंबर थर्ड। यहाँ पर मैं आपको कराऊंगी अगेन 25 क्वेश्चंस और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आज आपका 50 में से कितना स्कोर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। सो स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर एनी ऑफ द एग्जाम लाइक RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, तो आप हमारा ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल ज्वाइन कर सकते हैं। बागपत में है। अगर आप हॉस्टल में रह के तैयारी करना चाहते हैं, ये हमारे हॉस्टल के बैच हैं। इसमें 25 सीट्स ही अवेलेबल रहेंगी। तो जल्दी से पेरेंट्स के साथ हॉस्टल को विजिट करें और साथ ही यहाँ पर अपना एनरोलमेंट कराएं। और एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा, जिससे ये आइडिया हो सके कि अभी आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको कितनी प्रिपरेशन करानी होगी। बट आपका सिलेक्शन हम गारंटीड करा कर रहेंगे। तो स्टूडेंट, बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से पेरेंट्स के साथ एक बार आके हॉस्टल फैसिलिटीज को विजिट करें। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं विद द लाइव क्लासेस, तो आप हमारे ऐप के थ्रू लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, जिसमें आपको पहले तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगी, साथ ही टॉपिक वाइज और कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस का क्विजेज भी आपको मिलेगा। लेकिन आपको डेली लाइव क्लासेस भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा, रजिस्ट्रेशन करें, अपना डेमो आप बुक कर सकते हैं, उसके बाद ही आप हमारे कोर्स को चाहे तो अवेल कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं आज की हमारे 25 क्वेश्चंस। आद्र शब्द का विलोम है। आद्र का उल्टा यहां पर क्या होता है? मैं आपको पता है मैं कैसे कराती हूं। आपके पास जल्दी से अपना पेन पेपर निकाल लीजिए। आपको 10 सेकंड्स या 5 सेकंड्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए और अपना आंसर सॉल्व करेंगे, फिर मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करेंगे। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। 5 सेकंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास, एंड योर टाइम अप। तो आर्द्र का उल्टा यहां पर क्या होता है? शुष्क। शुष्क मतलब बिल्कुल सूखा। आर्द्रता क्या होती है? उमस से भरा हुआ। तो उमस का उल्टा क्या होगा? बिल्कुल शुष्क, सूखा। तो वन ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। जिसने वन ऑप्शन को चूज किया उनको मिलते हैं 2 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरपेट शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? मूल शब्द के आगे लगने वाला शब्दांश जो क्या करता है, मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है। तो वो यहां पर क्या है? तो उपसर्ग हमें यहां पर ढूंढना है। भरपेट का जो उपसर्ग लगा है तो वो इसमें क्या है? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। भ, भार, भर या भरा। तो चलिए समय खत्म होते हुए अब आपका यहां पर आपको मूल शब्द नजर आ रहा होगा पेट, और पेट से पहले क्या लगा हुआ है? भर पेट। तो यहां पर एक नया ही शब्द बन गया पेट, क्योंकि पेट का एक अपना अर्थ होता है। मूल शब्द यहां पर पेट, जिसका अर्थ होता है उदर को हम पेट भी कहते हैं, तो भर पेट। तो यहां पर 3 ऑप्शन हुआ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत का पर्यायवाची इनमें से क्या है? और आपका समय शुरू होता है अब। अनल, पावक, व्योम, सुधा। एंड टाइम अप। तो यहाँ पर अमृत का अनल तो आपको पता है बच्चों, आप इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आपको अदर ऑप्शन पता है। अनल को आग, अनल पावक, यहाँ पर आग को हम पावक भी कहते हैं, अग्नि, अनल, आग, पावक। व्योम होता है बच्चों नभ को, आकाश को यहाँ पर व्योम कहा जाता है। लेकिन अमृत का जो पर्यायवाची है वो है सुधा। सुधा हम किसको कहते हैं? अमृत को ही कहते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हुआ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर शब्द का विलोम बहुत आसान है, जल्दी से कर दीजिए। अमीर का उल्टा, एंड समय होता है खत्म। तो यहाँ पर अमीर का उल्टा क्या होता है? अमीर का जो विपरीत अर्थ दे, अमीर का उल्टा गरीब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होता है? ज्यादा। अमीर का उल्टा गरीब। तो 1 ऑप्शन यहाँ हुआ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेईमान शब्द में उपसर्ग है। इनमें से उपसर्ग का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ, मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो इनमें से बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है? बी, बे, पीटना या डाना। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। एंड टाइम अब। तो यहाँ पर ईमान आप देख रहे हैं, ईमान हमारा क्या है? मूल शब्द हो गया, और मूल शब्द में बे लगते ही क्या हो गया? ईमान का उल्टा बेईमान। तो यहाँ पर बे क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। तो 2 ऑप्शन यहाँ हुआ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंख दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? जल्दी से देखेंगे। धमकाना, डराना, पीटना या डांटना। एंड टाइम अप। तो यहाँ पर आग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? आग दिखाना होता है किसी को डराना। तो 2 ऑप्शन यहाँ हुआ करेक्ट। तो हम आग दिखाकर क्या करते हैं? कभी कभी छोटों को डराते हैं। तो डराना 2 ऑप्शन यहाँ हुआ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अधिक बोलता है उसको क्या कहा जाता है? वाचाल, चालाक, होशियार या चतुर। आपका समय शुरू होता है अब।
अधिक बोलने वाले को हम क्या कहते हैं और जो नहीं बोलता उसको क्या होता है, मूक होता है, और जो अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं? चलिए बताइए जल्दी से, आपका समय शुरू होता है, खत्म खत्म हुआ यहाँ पर समय। तो जो अधिक बोलता है वो होते हैं वाचाल, और जो नहीं बोलते वो होते हैं मूक या कम बोलने वाला मितभाषी। तो यहाँ पर वन हो गया वाचाल, तो जो अधिक बोलता है उसे कहा जाता है वाचाल। तो ए ऑप्शन यहाँ पर है करेक्ट, जिसने वन ऑप्शन चूज किया उनको मिलते हैं 2 मार्क्स। चलिए आगे, आकाश का पर्यायवाची आपको इसमें से छांटना है। आपका समय शुरू होता है अब। भूषण, अलंकार, नभ या जेवर? तो यहां पर करेक्ट आंसर है, जल्दी से बताइए। और आपका समय शुरू खत्म। अब आप यहाँ पर, तो भूषण, अलंकार, जेवर, ये तो सब क्या है? ये तो सब आभूषणों को कहा जाता है। तो भूषण सब हम किसको कहते हैं? आभूषण, अलंकार, जेवर। तो आकाश को हम क्या कहते हैं? नभ, गगन, अंबर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हमारे आकाश के पर्यायवाची हैं। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर हुआ करेक्ट, तो जिसने 3 चूज किया उनको मिलते हैं 2 मार्क्स। चलिए आगे, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रमा, इनमें से हमें छांटना है अनिल, कांति, रजत, शशि। आपका समय शुरू होता है अब। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची आपको यहाँ पर छाटना है। चलिए, समय खत्म होते हुए तो 8 सेकंड्स थे आपके पास। तो अनिल बेसिकली हम बच्चों हवा को कहते हैं, कांति, रजत, चांदी को कहते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा का क्या होता है? शशि। तो चंद्रमा को क्या भी कहा जाता है? शशि। तो यहाँ पर जिसने 4 ऑप्शन चूज किया उसको मिलते हैं 2 मार्क्स। तो चंद्रमा किसका पर्यायवाची है? शशि भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं RMS की, तो आप हमारा अचीवर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऑनलाइन बैच है, इसके लिए आपको सिर्फ अपने घर में रहकर ही हमारी लाइव क्लासेस को लेना होगा। आप RMS के लिए, जो अपकमिंग RMS का एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर, अब तो हो गया है 18 दिसंबर को, अगर आप 2024 दिसंबर 2023 में जो होगा सेशन 2024 के लिए जो होगा बेसिकली दिसंबर में, उसके लिए अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पर एक्सपर्ट फैकल्टी से क्लासेस मिलेगी और बिल्कुल जिस तरीके से आपका पेपर आता है बिल्कुल उसी तरीके से हम आपकी तैयारी यहां पर कराते हैं। बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, स्लोली स्लोली सारा सिलेबस कराया जाएगा, तो आप जल्दी से जो है अभी से ही एनरोलमेंट करा लीजिए, फिर आपका आधा सिलेबस वरना छूट जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अनुभव शब्द में उपसर्ग है, यहां पर अनुभव में क्या उपसर्ग छुपा हुआ है? तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। समय खत्म होते हुए तो यहाँ पर अनु जोड़कर आप क्या बना सकते हैं? अनुभव। तो यहाँ पर आपका उपसर्ग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। तो अनु यहाँ पर करेक्ट हुआ, तो ए ऑप्शन यहाँ हुआ सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी शब्द का पर्यायवाची है, आप चुनेंगे अपना ऑप्शन। पानी का पर्यायवाची क्या इनमें से है? और आपका समय खत्म होते हुए पावक तो आपका भी आया था बच्चों, एलिमिनेट आप कर सकते हैं। आग, अंबर हम किसको कहते हैं? नभ को। रसाल किसको कहा जाता है? आम को। आम होता है संस्कृत में, आम्र तत्सम शब्द भी होता है, रसाल भी कहते हैं। तो पानी को क्या भी कहा जाता है? नीर कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हुआ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्या शब्द का अर्थ होता है, समस्या का क्या अर्थ होता है? आपका समय शुरू होता है अब। निश्चित, परेशानी, नीचता या खुशी? एंड योर टाइम अप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? समस्या का अर्थ होता है परेशानी होना। आई होप आपका ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 2 ऑप्शन जिसने चूज किया उनको मिलते हैं 2 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु शब्द का पर्यायवाची इसमें से क्या है? आपको वायु का पर्यायवाची इस बार देखना है। मंद, भानु, अमीर या शशि? तो चलिए, शशि आपको पता चल चुका है। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। तो यहां पर वायु को हम क्या कहते हैं? भानु तो आपको पता है, सूर्य, सूरज, दिनकर, दिवाकर, रवि, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? भानु, सूर्य के। अमीर आपको पता ही है, ये हमें ये पढ़ा था, अमीर लोगों को जिनके पास अत्यधिक पूंजी होती है। शशि हम किसको कहते हैं? चंद्रमा, चांद, शशि। तो मंद यहां पर, मंद, समीर, वायु, ये सब किसके पर्यायवाची है? अनिल, ये सब है किसके? हवा के पर्यायवाची। तो 1 यहाँ पर ऑप्शन हुआ बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन शब्द का अनेकार्थी है, धन शब्द का यहाँ पर अनेकार्थी क्या है? जल्दी से बताएंगे। अमीर, पूंजी, धतूरा या मालदार? बच्चों धन है, ध्यान से देखेंगे, धनी नहीं। और आपका समय खत्म होता है। तो धन का यहाँ पर अर्थ होता है पूंजी। मालदार तो वो होता है जो धनी होते हैं, अमीर, तो अगर धनी होता तो अमीर हो जाता, मालदार हो जाता, लेकिन धन की हम बात कर रहे हैं, संपत्ति, पूंजी। तो ये क्या है? ये शब्द धन के अनेकार्थी हैं। तो 2 इज द
करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो यहाँ पर करेक्ट है। स्टूडेंट अगर आप RIMC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन रैंकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी हाई एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ, लर्निंग विद MCQ डेली आपको पहले चैप्टर पढ़ाया जाएगा, फिर उसके MCQ कराए जाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप यहाँ पर की जाती है, अनलिमिटेड क्विजेज आपको कंप्लीट ईयर मिलेगी, बिल्कुल जैसा GK का, मैथ्स का, इंग्लिश का पेपर आपका आता है बिल्कुल इसी तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी और गारंटीड आपका यहाँ पर सिलेक्शन संभव है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी छाटिए, यहां पर आपको दिया गया है, यहां पर आपको एक वर्ड दिया गया है जो अभी गलत है, उसमें से आपको नीचे से एक उसके लिए शुद्ध वर्तनी छाटनी है। अत्यधिक व्यवस्था में जीवन में निरसता आ जाती है, तो यहां पर अत्यधिक की करेक्ट स्पेलिंग आपको छाटनी है। जल्दी से लिख कर देखेंगे कि क्या सही स्पेलिंग है और हमें बताएंगे फिर कि आज आपने कितना स्कोर यहाँ पर बनाया है। तो आपका वो टाइम होता है खत्म। तो यहाँ पर ये क्या है, अत्यधिक, अत्यधिक मतलब जब किसी चीज की अधिकता हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अत्यधिक, मतलब कि अति अधिक। और ये कैसे बनता है अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर तो अत्यधिक, अत्या और धिक, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा हुआ करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी छाटिए, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, यहाँ पर हमें युधिष्ठिर के लिए सही वर्तनी छाटनी है। बिल्कुल ध्यान से लिख के देखेंगे बच्चों कि युधिष्ठिर की क्या स्पेलिंग होती है, सबसे बड़े थे पांडवों में। और आपका समय खत्म होते हुए, चलिए 10 सेकंड मैंने इसके लिए आपको दिए थे, तो अगर आप लिख के देखेंगे तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है, युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर हो, युद्ध में स्थिर हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, युधिष्ठिर। तो टू ऑप्शन यहां पर हुआ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक में कौन सी संधि है, आपको यहां पर छाटनी है प्रत्येक के अंदर कौन सी संधि है। तो अगर आप इसे करके देखेंगे तो प्रत्येक, जल्दी से आप पहले बताएंगे फिर मैं आपको इसका संधि विच्छेद करके दिखाती हूँ। प्रति प्लस एक, तो प्रति प्लस एक मिलकर क्या बनता है, प्रत्येक। तो यहां पर ये क्या है, अत्य, यह बन जाता है जो। तो ये कौन सी संधि है, आपने छांट लिया होगा, गुण यण वृद्धि अधिक। तो यहां पर प्रत्येक में कौन सी संधि है, यण संधि, जिसमें क्या आ जाता है, प्रति प्लस एक को जोड़ के क्या बनता है, प्रत्येक। और यहां पर अय्य हो जाता है जो हमारे ई और ए आ मिलकर बनते हैं, तो हो जाता है अय्य। तो ये कौन सी संधि है, यण संधि। तो टू ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं यश का विलोम, बहुत सिंपल है। यश का विलोम यहाँ पर क्या होगा, अपयग, अपयश, अयश या अयस, जल्दी से देख के बताएंगे। और समय समाप्त होते हुए, तो यहाँ पर यश का उल्टा क्या होता है, और आपको पता है अगर मैं इसमें यश में एक उपसर्ग लगा दूं तो इसका उल्टा हो जाता है। बेसिकली जो उपसर्ग होते हैं वो उल्टा अर्थ भी देते हैं, तो अपयश उल्टा क्या होता है, यश का, अपयश। तो टू ऑप्शन यहां पर हुआ करेक्ट। गमन का विलोम, अगम, आगमन, आगम्य या आगम, आपका समय शुरू होता है अब। और समय खत्म होते हुए, तो गमन का उल्टा आगमन, आना जाना जो होता है हमारा, तो गमन। तो यहाँ पर टू ऑप्शन क्या हुआ, इसका उल्टा, अगर हम गमन में आ लगा देते हैं, एक उपसर्ग लगा देते हैं, तो बन जाता है आगमन, तो आने पर। तो टू ऑप्शन यहाँ पर हुआ हमारा करेक्ट। तो 2 मार्क्स मिलते हैं जिसने टू ऑप्शन चूज किया है। दूसरों की बात में दखल देने वाला कौन होता है, अत्याचारी, अकिंचन, हितेश या हस्तक्षेप करना। तो जल्दी से बताएंगे अपना आंसर, जो दूसरों की बातों में क्या करते हैं, दखल देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है बच्चों, हस्तक्षेप, क्या कहलाता है, हस्तक्षेप करने वाला, हितेशी तो वो होता है दूसरों का हित चाहने वाला। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हुआ करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया है बच्चों आपका गद्यांश, मेरे साथ गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर अपने उत्तर लगाएंगे। तो जल्दी से देखें, किसी जमाने में एक जंगल में एक बड़े पेड़ पर कौओं का एक जोड़ा रहता था। बच्चे जो भी मेन बात है उसको हाईलाइट कर लेंगे। इस पेड़ की छाया में प्राय दूसरे पशु भी आराम किया करते थे। पेड़ की खो, खो क्या होता है, जो छाल के अंदर ही छोटी सी खो बना लेते हैं, उसमें एक सांप भी रहता था। कौवे ने पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। मादा कौवे ने घोंसले में अंडे दिए, कौओं ने अंडे को सेया, वार्मथ प्रोवाइड करते हैं ना अंडे में से, जिससे बच्चे निकल सके। जल्दी ही अंडों से बच्चे निकल आए। एक दिन बच्चों के लिए दाना लेने के लिए वे बाहर गए, तभी सांप घोंसले में आया और चारों बच्चों को चट कर गया। दाना लेकर जब कौए वापस आए तो उन्होंने खो में घुसते हुए सांप को देखा। उन्हें अपना घोंसला भी खाली मिला, तो उन्होंने अपनी खो में जाते हुए किसको देखा, सांप को। फिर उन्होंने अपना घोंसला देखा तो वो भी बिल्कुल खाली था। यह देख वे दुखी हो गए। कुछ महीनों बाद अंडे देने का
समय फिर आया। इसलिए कौवे ने सोचा कि यदि वे इसी पेड़ पर रहे तो सांप फिर उनके बच्चों को खा जाएगा, इसलिए उन्होंने उस पेड़ को छोड़ देने का फैसला किया। तो बच्चों ये था आपका गद्यांश। देखते हैं अब इससे यहाँ सर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आपको उनके सही उत्तर चुनने हैं। अगर आपको अभी तक पैसेज नहीं पढ़ा तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। कोने घोंसला बनाया था आराम से रहने के लिए, अंडे देने के लिए, अपने अंडों को सांप से बचाने के लिए, बच्चों के रहने के लिए। तो क्यों बनाया था कोने अपना घोंसला? अंडे देने के लिए, जिससे मादा जो है अब अंडे वहां दे सके। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर वन के लिए हुआ करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। कोवो की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति मतलब जब कोवे वहां नहीं थे तो सांप वहां आया, क्या होगा इसका उत्तर? उनके बच्चों की देखभाल करने, उनके बच्चों को खाने के लिए, उनके बच्चों को दाना चुगाने के लिए, उनके बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो क्या उचित लगता है बच्चों आपको? कर लिया होगा जल्दी से, उनके बच्चों को खाने के लिए, ना कि दाना चुगाने या उनकी देखभाल करने के लिए। तो इसका भी बी ऑप्शन हुआ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोवे दुखी हो गए क्योंकि, क्यों दुखी हुए कोवे? वे सांप के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे, उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था, उन्हें अपना घर त्यागना पड़ रहा था, या उनसे उनके बच्चे छिन गए थे। तो ज्यादा उचित कौन सा है बच्चों? सारे ही हैं, पर ज्यादा उचित इनमें से क्या है? दुखी क्यों हुए थे वे? क्योंकि उनके बच्चे उनसे छिन गए थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हुआ करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। कोवे ने कहीं और जाने का फैसला किया क्योंकि पेड़ उनके लिए बहुत बड़ा था, पेड़ की छाया में और पशु भी विश्राम किया करते थे, वे वहां सुरक्षित नहीं थे, हर बार सांप उनके बच्चों को खा जाएगा। तो किस वजह से? वो तो सुरक्षित थे, पर कौन सुरक्षित नहीं था? उनके बच्चे। तो उन्हें यह था कि अगर मादा कोवे अंडे देगी तो फिर उससे बच्चे निकलेंगे, वो उनको खा जाएगा। तो ज्यादा उचित उत्तर यहाँ पर क्या है? उत्तर नंबर डी। कहानी कोवे की किस विशेषता की ओर संकेत करती है? उनकी कायरता की ओर, भविष्य में खतरे के डर की ओर, सांप के प्रति उनकी शत्रुता की ओर, स्थान बदलने की ओर। तो क्या कहानी ने यहाँ पर कोवे की क्या विशेषता बताई है? कि उन्हें अपने बच्चों के लिए भविष्य का डर था। तो यहाँ पर ज्यादा कायरता का, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया कि वो कायर थे इसलिए उसे छोड़ के जा रहे थे। उन्होंने बताया क्या है गद्यांश में? कि उन्हें अपने बच्चों के लिए खतरा था, तो उन्हें भविष्य में आने वाले खतरे का डर था। तो ज्यादा उचित यहाँ पर क्या है? बी ऑप्शन ज्यादा उचित है। तो बच्चों चलिए ये थे आपके 25 क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप मुझे बताएंगे 25 में से कितने करेक्ट है, या 50 में से आज आपने कितना स्कोर किया, कितने उत्तर बिल्कुल आपके सही थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मॉक नंबर 4 के साथ। सो स्टूडेंट टिल देन बाय बाय।